हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए, मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ मुझे कास्टल में रिप्लाई कर रिव्यू करने वाला हूँ गाइज। तो ये कुछ टेक्नो गेमर्स के कॉन्सेप्ट का एक कास्टल है गाइज, देख सकते हो जैसे टेक्नो भाई का है ना वैसे ही है। तो सामने की तरफ कुछ माइन कार्ड्स उड़ती हुई और पीछे रिवर वगैरह। तो एक बार हम लोग इसका पूरा गोल राउंड ले लेते हैं। तो आप लोग कहोगे ये कौन से ब्लॉक है, तो ये लॉकी क्राफ्ट गोल्ड के ब्लॉक है भाई, तो आप वो डाउनलोड करके ले लेना। ओके, सो यहाँ पर हम अब लोग नीचे चलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग नीचे चलते हैं और मैं आपको इसके अंदर का वगैरह रिव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ से भाई ये गेट वगैरह है, तो यहाँ पर ज़रा कुछ पानी वगैरह है ताकि जल्दी से कोई अंदर जा ना पाए। तो हम लोग साइड से चल जाते हैं और उधर एक विलेज भी आप लोग देख सकते हो, उधर एक विलेज है। तो अभी हम लोग लेट से अंदर चलते हैं। तो यहाँ से ये डोर ओपन करने पड़ते हैं, प्रेशर प्लेट से नहीं ओपन होते। तो यहाँ पर ये माइन कार्ट्स का है जो उछलती है पिस्टन से। ये लावा का लावा ब्रिज है, देख सकते हो आप, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे ब्लॉक आते हैं। ये काट ये देखो, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये कैटल्स वगैरह यहाँ पे है, इधर कैटल्स वगैरह है इनकी सारी। कैटल्स मतलब जो गाय वगैरह होते हैं ना उनको। तो अंदर की तरफ अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये भी हाथ से ही खोलने पड़ते हैं और फिर प्रेशर प्लेट से बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिंहासन है सामने की तरफ जिसमें एमरल्ड लगा है, गोल्ड ब्लॉक है, क्रीपर हेड है। तो एक बार हम देखते हैं कैसे दिखते हैं इसमें सिंहासन पे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग दिखते हैं भाई, काफ़ी फनी स्किन है हमारा, तो ऐसे दिखेंगे हम लोग कैसे। तो अभी मैं वापस फर्स्ट पर्सन पे आ जाता हूँ और थोड़ा हम लोग अभी सामने चलते हैं। तो यहाँ पे एक रूम है, तो ये डोर हमें हाथ से बंद करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ब्रिविल स्टैंड है, फर्नेंस है। तो इस फर्नेंस में यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर ब्रिविल स्टैंड है और ये क्या बोलते हैं इसको यार, क्राफ्टिंग टेबल है। और यहाँ पे बैक लेते हो मैं अभी, अरे पीछे, हाँ। तो यहाँ पे ब्रिविंग स्टैंड एंड ये डोर वापस हाथ से खोलो, हाथ से बंद करो। अरे मैं अंदर अटक गया। तो अभी हम लोग चलते हैं इस वाली इसमें। तो यहाँ पर ये है स्टोन कटर कलडॉन और एनविल है। ये चेस्ट है सारी, चेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, रिकमी है वो, मतलब खाली है। और यहाँ पर बेड है। तो ये था इसका ओवरऑल रिव्यू गाइस इंटीरियर का। अभी हम लोग चलते हैं इसके एक्सटीरियर में, मतलब ऊपर वाले पार्ट में। तो यहाँ से इसके ऊपर हम लोग सीढ़ियाँ यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ पे एक बस पोर्टल है, नेदर पोर्टल, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये भाई ओवरऑल मुझे जो कास्टल है वो बहुत ही अच्छा लगा है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कास्टल डाउनलोड कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्रेडिट्स टू राज वर्मा। और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।